सब्सक्राइब कीजिए मामा नाम को, बेल आइकन को दबाइए, यूनिक रेसिपी, प्रोडक्ट रिव्यू और ब्लॉग को सबसे पहले देखने के लिए। यह है स्मॉल चिल्ली कटर, अनियन कटर, नट क्रैकर। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाने वाली हूँ और वो कंपैरिजन वीडियोस के साथ बनाऊंगी। ये दूसरा जो प्रोडक्ट है यह है गणेश का चॉपर, तो इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं चिल्ली कटर के बारे में। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है और ये स्मॉल साइज है। और इसकी जो बॉडी बनी है अनब्रेकेबल प्लास्टिक से बनी है। ये पुश करने के लिए दिया हुआ है ये ऊपर, और यहाँ पे इसके स्टील के ब्लेड है, और ये जो ये खुलता है यहाँ से डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, ये इसको दो बार घुमाना पड़ता है। हाँ, चूड़ी दी गई है। ये लॉक हो गया, तो चलिए अब इसमें कुछ काट के देख लेते हैं। देखिए ये दो प्याज है, तो एक प्याज मैं इसमें चॉप करूंगी और एक प्याज मैं गणेश चॉपर में चॉप करूंगी, तो आपको दोनों का फर्क पता चल जाएगा किसमें अच्छा हो रहा है चॉप। इसके थोड़े से छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, चार टुकड़े कर लिए मैंने इसके। सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया कुछ चॉप करने से पहले, तो मैंने प्याज के चार टुकड़े कर लिए थे, चारों टुकड़े मैं इसमें इकट्ठे डाल देती हूँ। ये देखिए प्याज, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए अब मैं जो दूसरा प्याज है वो चॉप करूंगी मैं गणेश के चॉपर में। मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है चॉप करना उसके कंपैरिजन में। और इसमें ये फ़ायदा है आपको जितना बारीक चाहिए उतनी बार आप उसको चॉप कर सकते हैं। आपको मोटा चाहिए तो आप थोड़ा सा करिए, और बारीक करना है तो आप ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। अब देखिए आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों प्याज में ये जो चॉप हुआ है इसका रस नहीं निकला बिल्कुल भी, और ये जो चॉप हुआ है ये देखिए बिल्कुल गीला गीला पड़ा है। ये चॉप करते समय इसका बिल्कुल कचुम्बर बना दिया, रस भी निकल गया, और ये बिना रस के ही चॉप हुआ है। तो ये गणेश चॉपर वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये चिल्ली कटर का एवरेज है।
तो चलिए अब टमाटर भी करके देख लेते हैं। दोनों चॉपर मैंने दोबारा वॉश कर लिए, अब इसमें हम करेंगे टमाटो चॉप। गणेश चॉपर में सबसे पहले चॉप करने से पहले ब्लेड लगाते हैं। तो सबसे पहले चॉप करती हूँ मैं चिली कटर में। देखिए टमाटर चॉप हो गया, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर का रस भी निकाल दिया। टमाटर तो बिल्कुल बहुत ही बेकार चॉप किया है इसने। तो चलिए खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आधे टमाटर को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से चॉप किया है। ये देखिए दोनों ही प्रोडक्ट की चॉपिंग देख ली, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है चॉपिंग के लिए। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है चॉपिंग के लिए, ये बहुत ही बेकार है, तो आप इसको परचेज़ ना करें। और ये है गणेश का चॉपर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और इसकी चॉपिंग भी काफ़ी बढ़िया करता है और इसकी बॉडी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी इस प्रोडक्ट का, आप मेरे लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। और जब इसका ऑफ़र आता है डील में तो ये 149 रुपीस का मिलता है और अभी इसका प्राइस 250 हो रखा है, तो आप डील का भी वेट कर सकते हैं। चाहे तो अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप वैसे भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।